हाय एवरीवन, गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों की एक बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम है टैनिंग। आई एम डॉक्टर निवेदिता राधु, अ डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। अगर आप स्किन रिलेटेड इश्यूज पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। तो टैनिंग क्या होती है? सन लाइट में UVA और UVB रेज होती हैं और ये रेज जब स्किन को टच करती हैं तो ये हमारे पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करती हैं और ये सेल्स और पिगमेंट बनाते हैं और उसकी वजह से स्किन टैन होती है। जैसा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, कम से कम SPF 40 का सनस्क्रीन लगाएं और सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, गर्दन पर, हाथों पर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर वेयरिंग, वो आप ज़रूर लगाएं और हर 3 घंटे में आप ये सनस्क्रीन लगाएं। अगर आप ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जैसे कि स्विमिंग, क्रिकेट, या अगर आप गर्मियों में वेकेशन या बीचेस पर जा रहे हैं या हिल स्टेशंस पर जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नॉर्मल सनस्क्रीन्स काम नहीं करते। इन्हें फिजिकल सनस्क्रीन्स लगाने की ज़रूरत है। इन सनस्क्रीन्स में जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है जो हमारी स्किन को ज़्यादा लंबे समय तक और ज़्यादा कड़ी धूप में बचाता है। जिन लोगों के लिए बार बार सनस्क्रीन्स लगाना पॉसिबल नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ओरल सनस्क्रीन्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये सनस्क्रीन्स बिल्कुल मैसी नहीं होते और ये एक टैबलेट है जो आपको खानी होगी। इस टैबलेट में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, पॉलीफिनॉल्स और कैरोटीनॉइड्स जो आपको सन प्रोटेक्शन देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्मल सनस्क्रीन लगाने से कई बार आपको विजिबल रेज और इंफ्रारेड रेज से प्रोटेक्शन नहीं मिलती, तो इसलिए मैं सभी को सलाह दूंगी कि अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो आप अम्ब्रेलाज का इस्तेमाल करें, टोपी पहने और स्कार्फ्स पहने। खाने में अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां खाएं। इन सब अलग अलग रंगों में अलग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को नरिश करते हैं। तो ये तो हुई बात टैनिंग को प्रिवेंट करने की, लेकिन अगर टैनिंग हो चुकी है तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे किचन में ही ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टैनिंग को कम करने में मदद करती हैं, जैसे कि योगर्ट, पपाया, मिल्क और हल्दी। इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छी डीमेलनाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो टैनिंग को कम करती हैं। इसके अलावा आप एसेंशियल ऑयल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अच्छे एसेंशियल ऑयल्स जो टैनिंग कम करने में मदद करते हैं वो है लैवेंडर ऑयल और रोज़ ऑयल। ये ऑयल्स के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी ज़्यादा इन्फ्लेम्ड रेड और सनबर्न स्किन को ठीक कर सकते हैं। इनके अंदर बहुत सूदिंग और रीजेनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एक अच्छा तरीका लैवेंडर ऑयल को इस्तेमाल करने का ये है कि आप एक मुट्ठी ओट्स लेके उसमें कुछ बूंदें लैवेंडर ऑयल की मिला के फिर उसको पानी में डाल के उससे नहा सकते हैं। इसके अलावा टैन कम करने की क्रीम्स भी अवेलेबल हैं। इन क्रीम्स में आब्यूटिन, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड जैसी चीज़ें होती हैं, पर ये क्रीम्स हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह पर ही इस्तेमाल करें। टैनिंग अधिकतर बार 3 हफ्ते से 1 महीने में ख़त्म हो जाती है, पर अगर आपकी टैनिंग 3 महीने तक परसिस्ट कर रही है तो इसका मतलब आपको एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। आजकल कुछ बहुत अच्छे तरीके हैं जिनसे हम टैनिंग को जल्दी रिमूव कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका है माइक्रोडर्माब्रेशन। ये एक प्रोसीजर है जिससे हम डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करते हैं, टैनिंग को कम करते हैं और जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट भी होगी। ये बिना डाउन टाइम का प्रोसीजर है और नॉन इन्वेजिव है। इसमें कुछ कोलाजन प्रोडक्शन भी होती है और कुछ आपके क्लॉग पोर्स भी अनक्लॉग होंगे और आपको पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होती नज़र आएगी। ये आपकी स्किन पर भी बहुत जेंटल है। इसके अलावा कई बार हम माइक्रोडर्माइब्रेजन के साथ
एसेंशियल ऑयल्स को अप्लाई करते हैं या जेंटल केमिकल पील्स अप्लाई करते हैं। ये केमिकल पील्स फ्रूट बेस्ड पील्स होती हैं और इनको अप्लाई करने से एक्सफोलिएशन और अच्छी होती है और टैनिंग और डल स्किन जल्दी ठीक होती है। टेक्नोलॉजीज में लेटेस्ट है क्यू स्विच लेजर्स। ये लेजर्स पिगमेंट सेल्स को बर्स्ट करते हैं और उससे डलनेस और टैनिंग कम होती है। ये जीरो डाउन टाइम प्रोसीजर्स हैं और इसलिए आजकल के बिजी स्केड्यूल में ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। होप द वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव। अगर आप स्किन से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।